संदर्भ में, केरल के संदर्भ में आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बोला कि कर्नाटक और तमिलनाडु में तो जैन धर्म आ ही चुका था, आंध्र प्रदेश में आ ही चुका था, तो केरल अछूता कैसे रहता? तो केरल में भी होयसल राजवंश और चेर राजवंश और होयसल राजवंश के समय भी जनता के दृष्टिकोण को देखते हुए, उनके रुझान को देखते हुए, यहाँ पर भी जैन धर्म को यहाँ के शासकों ने प्रशय दिया और वहां के केरल के मैंगलोर, वायनाड, कोंगुनाडु, जैनामेडु, पेरुम्बावूर, कोच्चि, चित्तारल, मटिकलम, आलघाट, सुल्तान बटेरी, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। वायनाड वही है जहां पर आपको एडक्कल नामक जगह है, गुफाएं जहां है, एडक्कल नामक जगह शायद आप लोगों ने सुना हो, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं, तो ये वायनाड है। और इन सभी स्थानों में हमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार के केंद्र देखने को मिलते हैं। ये चित्रल पा ये केंद्र है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पाषाण पर सीधे जैन देवी देव जैन जो है तीर्थंकर की प्रतिमा है, जो बगल में आप स्त्रियों की प्रतिमा देख रहे हैं वो उनके आ, आ, ये अटेंडेंट हैं, उनके सेवक हैं। कालांतर में मैंने बोला जैसा कि जैन धर्म और हिंदू धर्म की परंपराओं में कोई खास भेद नहीं रह गया, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में होता है कि उनके अगल बगल सेवक होते हैं, प्रारंभ में जैन तीर्थंकर अकेले हुआ करते थे पर बाद में फिर उनमें देखा जाने लगा कि उनके अगल बगल में भी सेवक आ गए, उनके यक्ष यक्षिणियां होने लगे और उन यक्ष यक्षिणियों के भी अटेंडेंट होने लगे। उदाहरण के तौर पर राजा का के जो सेवक होते हैं, मतलब उनके कार्यों को जो देखा करते हैं, उनके भी सेवक हुआ करते हैं। तो कमोवेश वही स्थिति हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। ये वायनाड है, ये वायनाड नामक जगह का एक मंदिर है, ये भी जैन मंदिर है। और जैन धर्म के संदर्भ में अगर केरल का कब की बात कही जाए तो जो साहित्यिक सोर्स है उसमें सिलप्पाधिकारम के जो लेखक हैं जैनाचार्य इलांगो अडिगल, सिलप्पाधिकारम का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कई बार अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब साउथ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था उसमें चर्चा आई थी कि सिलप्पाधिकारम, तो सिलप्पाधिकारम जो लेख है उसको लिखने वाले जैनाचार्य इलांगो अडिगल हैं। और जैन धर्म के केरल के संदर्भ में प्राचीनता अगेन वही 3rd सेंचुरी BC मानी जाती है, तब जब चंद्रगुप्त मौर्य वहां गए तो वहां जाके ऐसा नहीं कि किसी एक पहाड़ी पे जाके लोग रुक गए और अगल बगल घूमना बंद कर दिए, उसी समय वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण के अंतिम छोर तक उन लोगों ने किया था। पर ये जो प्राचीनता मैंने केरल के संदर्भ में बताई, इसका पतन होना भी शुरू हो गया केरल में 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में जैन धर्म से संबंधित केंद्रों की संख्या वहां कम होती गई और 16वीं शताब्दी तक आते आते जैन धर्म वहां पूरी तरह खत्म हो गया। और इसका कारण था वैष्णव और शैव धर्म की पराकाष्ठा, वो इस कदर वहां के शासकों ने इनको प्रमोट किया, इनको समर्थन दिया कि जैन धर्म वहां पूरी तरह से जो है कि खत्म हो गया। और यही नहीं, टीपू सुल्तान नामक एक राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके केरल के दौरे के समय उन्होंने कई मंदिरों को तोड़वाया था, तो उसी तोड़वाने वाले क्रम में कई जैन केंद्र भी बर्बाद हो गए और इस तरह केरल में जैन धर्म की का